हाय गाइस, मैं हूं करण त्रिवेदी, आपका लाइफस्टाइल एंड परफॉर्मेंस कोच, एंड वेलकम टू माय सीरीज बल्ले बल्ले बॉडी फिटनेस एंड न्यूट्रिशन का तड़का। Guys, I'm sure आपने हमारा फर्स्ट एपिसोड देखा होगा जिसमें फर्स्ट वीक ऑफ जिम में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उसको आपने इम्प्लीमेंट किया होगा, एंड आई एम श्योर आपको उससे रिजल्ट भी आया होगा। अब इस वीडियो से हम अपनी कंपाउंड मूवमेंट सीरीज स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट होती क्या है? कंपाउंड मूवमेंट वो मूवमेंट्स हैं जो मल्टीपल जॉइंट्स और मल्टीपल मसल्स को एंगेज करती हैं। कंपाउंड मूवमेंट स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं आपकी ओवरऑल बॉडी की, इससे बॉडी आपकी टोनअप भी होगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो आज जो हम कंपाउंड मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं वो होगी आपकी टांगों की, और जिसमें हम सबसे पहले करेंगे वेटेड स्क्वाट्स। वेटेड स्क्वाट्स की सबसे बड़ी जो खासियत है कि मल्टीपल जॉइंट्स को एंगेज करती है, मसल्स को एंगेज करती है और उन्हें मजबूत बनाती है। फर्स्ट आपके क्वाड्स, देन आपकी हैमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट्स, इन तीनों मसल्स पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करती है, और यस, ये आपकी बैक को भी स्ट्रांग बनाती है। गाइस, वेटेड स्क्वाट से पहले कुछ ऐसी बेसिक वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं जो हम करेंगे ताकि हम अपने लेग्स में ब्लड फ्लो बढ़ा सकें। तो इसमें हम तीन एक्सरसाइजेस करेंगे, फर्स्ट एंकल के लिए, सेकंड क्वाड्स के लिए एंड थर्ड हैमस्ट्रिंग के लिए। तो आप प्लीज़ देखिएगा और इसको रिपीट करना है आपको 10-15 टाइम्स। फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर एंकल, आप इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स विद बोथ लेग्स। नेक्स्ट वुड बी योर स्ट्रेचिंग फॉर क्वाड्स, इसको आप होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए ईच लेग एंड यू कैन रिपीट फॉर 3-4 टाइम्स। लास्ट वुड बी स्ट्रेचिंग फॉर योर हैमस्ट्रिंग, इसमें आपको क्या करना है, सीधे खड़े होना है, हाथ को ऊपर ले जाके अपने टोस को टच करते हुए ब्रीद आउट करना है। यू विल फील द स्ट्रेच हेयर ऑन योर हैमस्ट्रिंग। अगर आपके हाथ नीचे टच नहीं होते हैं तो आप इसको यहाँ पे भी टच करके सिर्फ अपने आप को नीचे पुश कर सकते हैं, एंड ट्राई टू रीच आउट एज फार एज यू कैन। गाइस, ये तो हुआ हमारा वार्म अप, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वेटेड स्क्वाट मशीन पे। बट उससे पहले जल्दी से मैं आपको बता दूँ कि बॉडी वेट स्क्वाट्स क्या होते हैं, जो मैं आपको पिछली वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। सो बॉडी वेट स्क्वाट्स में यू इमेजिन कि आपके यहाँ पे कोई बार रखी हुई है, वेटेड स्क्वाट्स में आपके सही में बार होती है। तो आप जल्दी से देख लीजिए मेरी पोजिशन, मेरे लेग्स की पोजिशन, मेरी नीज की पोजिशन, और उसके बाद हम हॉप ऑन कर जाएंगे बार के नीचे। यू गो डाउन एंड कम अप, ब्रीद इन करना है जब आप नीचे जा रहे हैं, ब्रीद आउट करना है जब आप ऊपर आ रहे हैं। अब हम चलते हैं बॉडी वेट स्क्वाट्स पे, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी मूवमेंट बताऊंगा। अब हम आ गए हैं अपनी वेटेड स्क्वाट मशीन पे। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें आपको एक बार है जो 18 से 20 किलो की है, दो लॉक्स हैं, एक बार को रखने के लिए जो एडजस्टेबल होते हैं, इनको आप निकाल सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और दूसरा सेफ्टी के लिए कि बार अगर आप करते हुए पीछे छूट जाए या फिर आपसे वेट ना उठे ऊपर पुश करते हुए तो आप उसको छोड़ सकें और किसी के इंजरी ना हो। तो ये जो आपकी मशीन है ये आपका वेटेड स्क्वाट्स में हेल्प करेगी। आप पीछे से वेट लेके यहाँ पे डालेंगे और स्क्वाट्स करेंगे, या हमने बार सेट कर लिया अपनी हाइट के हिसाब से। बार आपकी ट्रैप्स पे टच होनी चाहिए, और हाथों की जो पोजिशनिंग है, ग्रिप है, वो आप या तो क्लोज भी रख सकते हैं या वाइड भी रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आप नीचे जाएंगे एल्बोज को टक इन करेंगे, पीछे की तरह ऐसे फ्लेयर नहीं करेंगे। सो टक इन एल्बोज के साथ हम इसको लिफ्ट करेंगे ब्रीद इन करते हुए। आपकी आइज इस टाइम पे बिल्कुल सामने रहेंगी, चेस्ट आउट रहेगी, बट जब आप नीचे जाएंगे जैसे जैसे आपकी स्पाइन मूव करेगी आपकी नेक मूव करेगी और आई मूवमेंट भी आपकी फ्लोर की तरफ चली जाएगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक बार इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं
फीट पोजिशन की। फीट आप इसमें तीन तरीके से रख सकते हो, वन विच इज सुमो स्क्वाट्स, वन विच इज न्यूट्रल एंड थर्ड वुड बी क्लोज स्टांस। तो इन तीन स्टांस में आप स्क्वाट्स कर सकते हो, हम आपको करके दिखाएंगे न्यूट्रल स्क्वाट्स। सो न्यूट्रल स्टांस में स्क्वाट्स हैं, आपकी जो नी है वो आपके फीट के जो एंगल है उसी की डायरेक्शन में जाएगी। फीट आपका इसमें अराउंड 5 to 10 degrees आप आउट रख सकते हो। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ब्रीद इन ब्रीद आउट। कुछ चीज़ों का आप इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ गलतियां आप अवॉइड करिएगा, आपको इससे इंजरी हो सकती है। फर्स्ट, हाफ मूवमेंट करना, ये हाफ मूवमेंट नहीं करनी है आपको जब भी स्क्वाट्स करनी है। सेकंड, अपनी बैक को टर्न नहीं करना है, रोटेट नहीं करना है कि नीचे जाते हुए आप इस तरीके से जा रहे हो, बिकॉज आपका सारा का सारा वेट आपकी लोअर बैक में आ जाएगा और आपके अगेन पेन स्टार्ट हो जाएगा और इंजरी के बहुत ज़्यादा चांस हैं। थर्ड, आपको जो प्रेशर है वो ना ही फिंगर्स पे डालना है, ना ही पीछे एड़ियों पे डालना है, पूरे पैर पे प्रेशर इक्वल रखना है ताकि आप फोर्स का यूटिलाइजेशन ढंग से कर सकें। व्हेन यू गो डाउन, जब ऊपर आना है तो फोर्स पूरे पैर पे आना चाहिए ऊपर आने के लिए। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आप इंजरी अवॉइड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं अपनी स्क्वाट्स से। और ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने सीखा हाउ टू डू वेटेड स्क्वाट्स करेक्टली। और अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। वेटेड स्क्वाट्स इज द मोस्ट एंगेजिंग एक्सरसाइज फॉर योर मसल्स एंड फॉर योर जॉइंट्स, बिकॉज ये 50% ऑफ योर बॉडी को टारगेट करता है। बिलो योर वेस्ट ये सारे के सारे लेग्स को टारगेट करता है, बहुत सारी मसल्स इसमें एंगेज रहती हैं, इसीलिए हमें अपने न्यूट्रिशन को भी उसी हिसाब से हैवी रखना है। प्री वर्कआउट में गो हैवी ऑन कार्ब्स एंड प्रोटीन, और फैट्स में यू कैन टेक बादाम काजू। पोस्ट वर्कआउट, जब आपका लेग का वर्कआउट खत्म हो जाए, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपके मसल्स को रिकवरी की ज़रूरत है, गो हैवी ऑन कार्ब्स अगेन। आप राइस ले सकते हैं, राइस के साथ फिश चिकन ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं राइस के साथ, या फिर पोटैटो के साथ, या फिर आप सिंपल चिकन करी एंड रोटी खा सकते हैं, या फिर पनीर की कोई सब्जी और रोटी खा सकते हैं। और ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने सीखा कि वेटेड स्क्वाट्स कैसे करने हैं सही तरीके से, क्या न्यूट्रिशन लेना है आपको स्क्वाट्स करने से पहले, और टोटल लेग वर्कआउट के बाद आपको क्या न्यूट्रिशन लेना है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछिए। फॉर मोर सच वीडियोज फॉलो एंड सब्सक्राइब टू ओनली माई हेल्थ, और कीप वॉचिंग बल्ले बल्ले बॉडी, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के तड़का विद करण त्रिवेदी। तब तक मैं अपने लेग्स को आराम देके आता हूँ।